इट सीम्स बॉलीवुड इज फाइनली बैक एंड सो एम आई। जी हाँ, जिस तरह कुछ दिनों से हिंदी फिल्मों के गाने और नए नए ट्रेलर लॉन्च हो रहे हैं, लगता है किसी अमीर आदमी की बेटी की शादी के बुफे का खाना लगा हो। एक से एक नई वैरायटी और बढ़िया से बढ़िया पकवान पेश हो रहे हैं, राइट फ्रॉम जवान्स प्रीव्यू टू राज एंड डीके, गन्स एंड गुलाब टू ड्रीम गर्ल टू, गदर टू, और अब ओ माई गॉड टू का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। तो मैंने भी सोचा मैं भी बहती गंगा में हाथ ही धो लूं। गंगा कहां से बहती है इसके बारे में मुझे मत बताना। ओ माई गॉड टू की अनाउंसमेंट और टीजर के बाद से फिल्म की मुश्किलियां बढ़ती जा रही थी। जब ये पता चला कि फिल्म सेक्स एजुकेशन के टॉपिक से डील कर रही है, तो सेंसर बोर्ड की आंखें और दिमाग थोड़ी ज्यादा खुल गई। ठीक उसी तरह जैसे एक दिन सडनली एनसीपी के कुछ नेताओं की आंखें खुल गई और वो बीजेपी को सपोर्ट करने मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट में शामिल हो गए। वैसे भी आदि पुरुष के बुरे हाल और हिंदू धर्म और भावनाओं को जिस तरह बेहुदा मजाकिया ढंग से पेश किया गया था, सेंसर बोर्ड ओ माय गॉड 2 से कोई चांस नहीं लेना चाहता था। तो मैंने अभी अभी देखी ओ माय गॉड 2 की 27 कट और ए सर्टिफिकेट वाला ट्रेलर, और अगले 3 पॉइंट में आपको बताऊंगा कि मुझे ये ट्रेलर कैसा लगा और क्यों। सबसे पहले बात करते हैं द प्रीमाइस ऑफ द फिल्म की। मीडिया रिपोर्ट से जैसे हमने पढ़ा कि फिल्म सेक्स एजुकेशन से डील कर रही है, और इसलिए फिल्म के लीड पंकज त्रिपाठी के बेटे की कोई इनडिसेंट सी क्लिप वायरल हो गई है, जिससे उसे और उसके परिवार की काफी बदनामी और बेइज्जती हो रही है। कब कैसे पंकज त्रिपाठी गॉड के मैसेंजर बने अक्षय कुमार की मदद से अपने बेटे और परिवार को बचाते हैं, यही आगे की कहानी है और यही प्रीमाइस ऑफ द फिल्म है। कुछ सीन से ऐसा भी लगता है कि सेक्स एजुकेशन, मैशुबेशन यानी हस्त मैथुन, अननेचुरल सेक्स या समलैंगिक संबंध जैसे मुद्दों को फिल्म में उठाया गया है। शिव के दूत बने अक्षय कुमार से और शास्त्रों में लिखे हुए जीवन के 4 स्तंभ जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कैसे कांति शरण मुद्गल यानी पंकज त्रिपाठी अपने बच्चे की सेक्स की तरफ बढ़ती नेचुरल अट्रैक्शन को जस्टिफाई करते हैं, वही फिल्म की प्रीमाइस है। जिस सनातन धर्म के 4 स्तंभ है उन्हें आप अश्लील कह रही हैं। दूसरी चीज जो मुझे इस फिल्म की सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो है फिल्म में कैरेक्टर्स की लुक्स एंड बोली और द ओवरऑल वर्ल्ड बिल्डिंग। पंकज त्रिपाठी ने एमपी की बोली और एक्सेंट सही पकड़ी है, और साथ ही उनका लुक उनके आपस के बाकी रीजनल कैरेक्टर्स से सटीक मैच करता है। फिल्म में शंकर जी के दूध बने अक्षय के मेकअप भी ऑन पॉइंट है, और वो भी अपने बिंदास स्वैग और फ्लैमबॉयंट अंदाज में काफी जच रहे हैं। यामी गौतम, अरुण गोविल, पवन मल्होत्रा भी अपने अपने रोल में सही लग रहे हैं। छोटे शहर के सेटिंग के थ्रू और खासकर रिलीजियस सेटअप में जहां भक्ति भाव का माहौल वैसे ही ज्यादा होता है, उस सिनारियो में सेक्स अवेयरनेस जैसे टॉपिक को अपने रियलिस्टिक कैरेक्टर्स के साथ मैच करना ही अपने आप में विन विन सिचुएशन है। और इस मामले में मुझे फिल्म के लुक्स एंड वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ही सही लगे। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस ट्रेलर को इंटरेस्टिंग बनाती है वो है इस फिल्म की स्टेलर कास्टिंग सपोर्टेड बाय गुड बैकग्राउंड म्यूजिक एंड डिवोशनल सॉन्ग्स। साथ ही डायलॉग्स और कॉमेडी फिल्म के गंभीर विषय को हल्का फुल्का रखने में मदद करेंगी, ऐसा 3 मिनट के ट्रेलर से तो अभी पता चल रहा है। जी हाँ, ट्रेलर 3 मिनट लंबा है, पर फिर भी कम और टू द पॉइंट डायलॉग्स और म्यूजिक के थ्रू फिल्म को प्रमोट किया गया है, जो मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। वैसे भी सेक्स के मामले में हम इंडियन से कम कौन बोलता है, और इस फिल्म के ट्रेलर से खास करके सेक्स एजुकेशन के मैसेज को जो उठाया गया है और सटल तरीके से रखा गया है ताकि फिल्म जो अगले 9 दिनों में थिएटर्स में रिलीज होने वाली है सबको पसंद आए, और ना ही कुछ ट्रेलर में ज्यादा रिवील किया गया है। पूरी दुनिया करवट ले रही थी तो हमारा सनातन हिंदू धर्म दौड़ दिया था महाराज। तो ये था मेरा इनिशियल रिव्यू ऑफ OMG 2 ट्रेलर। आप बताइए आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।